सोलह सौ नड़िन्नवे की विसाखी को खालसा पंथ की सरजना हुई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत की दात दे के खालसा पंथ साजिया। श्री गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक जो दबे कुचले कौम नू शक्तिवान बनाने वास्ते जे ये शक्ति की जो संचार किया मनुख विच वो एक अत्याचारक लोगों के नाल लड़न वास्ते जूझन वास्ते तैयार हो गया। अज के दिहाड़े उत्ते सानू जिथे नाज है कि कलगीधर पातशाह ने खालसा पंथ वास्ते किया खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे खालसा परमात्म की मौज। सो इस खालसे नू अज मैं सब तो वध लख लख बधाई दिंदी सारी सिख कौम नू ते नाल ही बेनती भी करदी है कि अज आपां इत्थे प्रण करना है उस महान तख्त उत्ते आके जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू जिथे अमर की दात भी वंडी नाल नाल उन्होंने सानू इत्थों बाणी जो गुरु ग्रंथ साहब सी गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दर्ज करके संपूर्णता करके गुरु ग्रंथ साहब जी की बख्शिश की। बहुत बहुत बधाई है सारी संगत नू। मेरे पातशाह ने सानू बहुत वड्डे स्वरूप दिते खालसा मेरो रूप है खास खालसा मैं हूँ करो निवास ते नाल शर्तां भी बड़ियां वड्डियां लाईयां जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा जबे गए विपरन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। कहन तो भाव कि मेरे पातशाह ने जेहड़े सानू ये बख्शिश करके कहा कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाई असी केवल तो केवल जामे दे नाल नहीं जुड़ना असी अंदरूनी तौर दे उत्ते भी बाणी दे नाल जुड़ के अपनी बाहरी भी दिख ते अंदरली भी दिख जिहड़ी है गुरु अनुसार बनाउणी है। सो अज खालसा पंथ नू बहुत चुनौतियों विचों लंघना पै रहा है। मैं समझदी हाँ कि सानू चुनौतियों का सामना करने वास्ते मजबूत मनुख बनना पएगा जब तक असं मजबूत मनुख नहीं बनते उदों तक असं उन्होंने चुनौतियों हल नहीं कर सकते। सो मैं सारे बहुत बहुत बधाई दूंगी।